बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सुनाएं कि आपकी तरफ मौसम कैसा है? और ये देखें जी, अल्लाह ताला की शान, मैंने अपने सब फ्रेंड से वादा किया था कि मैं आपको ये गोभी का फूल जब बनेगा तो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा गोभी का फूल बना है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह की चीज़ें लगाएं, फ्रेश खाएं। मेरा तो दिल करता है कि इनको इसी तरह रखूं। ये देखें जी, इधर भी बनेगा। और ये एक क्यूट सा बेबी, छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है, अल्लाह ताला की शान है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ज़रूर आपको पसंद आएंगे। तो क्या कभी आपने ऐसे फूल भी लगाए हैं अपने घर में? ये देखिए, मैंने, मुझे फूलों से प्यार है और पौधों से, तो ये देखिए मैंने गोभी के फूल भी लगा लिए। और इस साइड पे भी बढ़ रहे हैं, ये देखें। और आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी, ये देखें, ये गोभी के फूल हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, अल्लाह ताला की शान है। ये छोटा सा बेबी बन रहा है ये इसके अंदर। तो मुझे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो आप भी लगाएं और अपने दोस्तों के साथ इस तरह की बातें शेयर किया करें जी। तो मेरी दो सिस्टर हैं, सिस्टर्स व्लॉग्स ऑफिशियल, जिनका नाम है शबाना सिस्टर और नरगस सिस्टर। मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं। इंसान पूरे दिन का थका होता है, स्ट्रेस में होता है, तो वो जब उनकी वीडियो देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो दो दिन पहले मैंने अपने एक भाई की वीडियो देखी है, पहले भी मैं देखती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो है जी, उनके चैनल का नाम है यास्मीन विलेज। तो बहुत ही अच्छा चैनल है, इतनी अच्छी बातें करते हैं, हैप्पी फैमिली है, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा इसी तरह हैप्पी रखे, खुश रखे और अपने बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। मैंने उनका रात दो दिन पहले मैंने देखा जब, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें की हैं उन्होंने। मैं उन भाई को कहूँगी, अशफाक भाई उनका नाम है, कि आपने जो बातें की बहुत अच्छी लगी। बड़े यूट्यूबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं तो फिर ही बड़े बनते हैं। तो इसलिए जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहला स्टेप, पहले हम पहले स्टेप पे ही पाँव रखते हैं तो फिर एंड तक जाते हैं। तो इसलिए हम सबको मिलकर चलना चाहिए, बड़े यूट्यूबरों को छोटों का ख्याल रखना चाहिए। तो क्यों ना हम सब छोटे जो यूट्यूबर हैं, हम एक दूसरे का साथ दें और चेन से चेन बन जाएं और मिलकर चलें, तो क्यों नहीं हम भी एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा ये आप सबको मैसेज है, आपने परेशान नहीं होना, आप बहुत जल्दी अरूज पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बुरी नज़र से बचाएं। और एक मेरी बहन है स्ट्रॉन्ग सोबिया, मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूँ, सब अच्छे हैं मेरे पास जो आते हैं, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, सब बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं और इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। और मैं सब की वीडियो वॉच करती हूँ और देखती हूँ और उनका साथ नहीं छोड़ रही, जो छोड़ के जाते हैं ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो यास्मीन विलेज और जो हमारी शबाना सिस्टर और नरगस सिस्टर, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और ये जो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा, वो अपने घर में बैठ के काम करती हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो विलेज, यास्मीन विलेज वाले, उनकी वीडियो देखी, उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं आप सबको ये फूलों का गुलदस्ता पेश करती हूँ, आप इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमेशा इन फूलों की तरह खुशबू छोड़ते रहें, ताकि सब आपको पसंद करें। आप हमेशा इसी तरह ही, अगर आपकी सोच रही तो आप
बहुत जल्दी अरूज पे जाने वाले हैं। मेरी आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं। व्लॉग्स विद राष्ट्राए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला और ज़्यादा हम सबको तरक्की देगा और अपनी अमान में रखे। तो व्यूवर्स, मैंने ये चैनल बहुत ही ख़ास मकसद के लिए बनाया है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा चैनल जब और बड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मैं सबकी हेल्प करूं, और ज़िंदगी 4 दिन की है, इसलिए मैं चाहती हूं कि इंसान जब जाए तो उसका नाम जिंदा रहे। और किसी की हेल्प करना तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा बरकत है, अल्लाह ताला इसका अजर खुद देगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम सब मिलकर मेहनत करते रहें और जो मेरा ड्रीम है वो भी अल्लाह ताला पूरा कर दे ताकि मैं किसी के काम आ सकूं। तो ये जी गोभी का फूल जो है, ये फिर हम जब बड़े हो जाएंगे बनाएंगे। तो जाते जाते एक शेर अर्ज़ करती हूँ आप सबकी खिदमत में, तो आप ज़रूर सोचना कि इस शेर में क्या है, और ये सब आपकी नज़र करती हूँ। के सुकून हो आपकी ज़िंदगी में इस तरह, के सुकून हो आपकी ज़िंदगी में इस तरह, फूलों में खुशबू होती है जिस तरह। खुदा आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे, खुदा आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि धरती पे बारिश होती है जिस तरह। तो बहुत सारी मेरी आप सब के लिए दुआएं हैं, मुझे भी आप दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का, इसी तरह जुड़े रहें, बने रहें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।